हेलो स्टूडेंट, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सफलता के लिए अभ्यर्थी प्रतिभागी को यह जानना आना चाहिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कुष्मांडा आईएएस एचसीएस एकेडमी को और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी अपडेट्स मिलती रहें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कुष्मांडा एसएससी एकेडमी। आज हम देखने वाले हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी कि BIS का जो रिक्रूटमेंट है उसका नोटिफिकेशन। यहाँ पर आपको दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2020। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको दिया हुआ है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द स्टैचूटरी बॉडी अंडर मिनिस्ट्री कंजम्पशन अफेयर्स फूड्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटीज इन द फील्ड स्टैंडर्डाइजेशन प्रोडक्शन एंड सिस्टम सर्टिफिकेशन हॉलमार्क ऑफ गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी लेबोरेटरी टेस्टिंग एक्सेट्रा इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल इंडिविजुअल टू फिलिंग अप द वैकेंसीज इन द फॉलोइंग पोस्ट बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एट BIS हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली एंड BIS ऑफिसेज लोकेटेड इन द कंट्री एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो। यहाँ पर दिया हुआ है कि आपके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल हैं, ऑनलाइन आप एप्लीकेशन फिल करके भेज सकते हैं, एलिजिबल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर वैकेंसीज के बारे में डिटेल लिखी हुई है, जैसे कि नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर लिखी हुई है। द कैटेगरी वाइज ब्रेकअप वैकेंसीज इन दिस पोस्ट आर डिटेल्ड। यहाँ पर दो पोस्ट हैं, एक तो टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी के लिए और एक सीनियर टेक्नीशियन के लिए। और यहाँ पर वैकेंसीज जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज 30 और 20 लिखी हुई है, जिसमें से UR के लिए 4 पोस्ट अवेलेबल हैं टेक्निकल असिस्टेंट की, और सीनियर टेक्नीशियन के लिए 2 पोस्ट अवेलेबल हैं। UR के लिए 11 पोस्ट अवेलेबल हैं और EWS के लिए टेक्नीशियन के लिए 11 पोस्ट अवेलेबल हैं, सीनियर टेक्नीशियन के लिए 2 पोस्ट अवेलेबल हैं। SC के लिए टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 4 पोस्ट अवेलेबल हैं और सीनियर टेक्नीशियन के लिए 1 पोस्ट अवेलेबल हैं। ST के लिए लेबोरेटरी टेक्नीशियन टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 4 पोस्ट हैं और सीनियर टेक्नीशियन के लिए 2 पोस्ट हैं। OBC के लिए टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 7 पोस्ट हैं और सीनियर असिस्टेंट सीनियर टेक्नीशियन के लिए 4 पोस्ट हैं। हॉरिजॉन्टल यहाँ पर वैकेंसीज लिखी हुई हैं PWD और EXSM के लिए। नेक्स्ट आगे इन्फॉर्मेशन देखते हैं किस तरीके से हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है डिसिप्लिन वाइज ब्रेकअप फॉर 30 वैकेंसीज, 12 केमिकल और 5 मैकेनिकल, 2 इलेक्ट्रिकल, 6 माइक्रोबायोलॉजी और 5 सिविल। यहाँ पर डिसिप्लिन विद ब्रेकअप ऑफ 20 वैकेंसीज, यहाँ पर लिखा हुआ एयर कंडीशनिंग रेफ्रिजरेशन, 7 पोस्ट जो है वो मैकेनिकल और डीजल इंजन के लिए है और 5 पोस्ट इलेक्ट्रीशियन के लिए, 3 पोस्ट फिटर के लिए है, 1 पोस्ट वेल्डर के लिए है, 3 पोस्ट कारपेंटर के लिए है। यहाँ पर जो है PWD कैंडिडेट्स के लिए PWD यूज़ किया गया, HI के लिए हियरिंग इंपार्टमेंट यूज़ किया गया, UR के लिए अनरिजर्व्ड और SC के लिए शेड्यूल कास्ट, ST के लिए शेड्यूल ट्राइब, OBC का मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस। यहाँ पर इसके अलावा इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि इंटरलॉकिंग रिजर्वेशन जो है वो PWD कैंडिडेट्स के लिए प्रोवाइड करी जाएगी एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स, और 40% डिसेबिलिटी शेल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई। PWD कैंडिडेट्स को 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए, उससे कम के लिए कम वाले जो है उन्हें रिजर्वेशन की नहीं मिलेगी। 40% से ज़्यादा वालों को जो है PWD कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन लिखी हुई है 17 फरवरी 2020 से लेकर 8 मार्च 2020 के बीच में आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करके भेज सकते हैं। रिजर्वेशन के रिगार्डिंग डिटेल्स आपको Annex 2 में मिल जाएगी। एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन यहाँ पर लिखी हुई है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए बैचलर्स डिग्री इन साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिकल्स, बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एज पर मेन सब्जेक्ट, मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, 3 ईयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, सिविल और केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और फूड टेक्नोलॉजी और मेटलर्जी विद मिनिमम 60% मार्क्स। और सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए मैट्रिक और इट्स इक्विवेलेंट, मैट्रिक या उसका इक्विवेलेंट, या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट इन ऑफ एनी फॉलोइंग ट्रेड्स, इलेक्ट्रिकल, एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेटर, फिटर, कारपेंटर, वेल्डर, और 2 ईयर्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए रिस्पेक्टिव ट्रेड आफ्टर हैविंग ऑब्टेंड द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। एज लिमिट यहाँ पर लिखे हुए कैंडिडेट मस्ट बी 18 से 30 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपकी एज 18 से 27 ईयर्स होनी चाहिए। और यहाँ पर जो है आपको और डिटेल्स दी हुई हैं, जैसे कि पे स्ट्रक्चर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए लेवल 6 है और सीनियर टेक्नीशियन के लिए लेवल 4 है।
ऑनलाइन एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको फुल डिटेल्स ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर मिल जाएगी। अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पर लिखा हुआ आपको इस जो है नोटिफिकेशन के बाद 21 डेज़ का टाइम दिया जाएगा, आप उस टाइम में अप्लाई कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर लिखी हुई है 500 एप्लीकेशन फ़ीस है नॉन रिजर्व कैटेगरीज़ के लिए, और SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए जो है आपको फ़ीस नहीं है कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस। इसके अलावा फ़ीस आपकी डेट जो है 17 फरवरी से लेकर 8 मार्च है, 17 फरवरी से लेकर 8 मार्च आपके बीच में आप एप्लीकेशन फ़ीस पे कर सकते हैं। और एप्लीकेशन के अलावा आपको और डिटेल्स दी हुई है, शेड्यूल ऑफ इवेंट्स, सारे इवेंट्स की शेड्यूल और टाइमिंग आपको दी हुई है, रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन जो है 17 फरवरी 2020 से लेकर 8 मार्च के बीच में आपको फिल करनी है, और एप्लीकेशन फ़ीस भी आपको लास्ट डेट 8 मार्च ही है। एडमिट कार्ड जो है वो 23 मार्च 2020 में इशू होंगे, ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है 29 मार्च को होगी, और रिज़ल्ट जो है एप्लीकेशन ऑनलाइन एग्जामिनेशन का वो 21 अप्रैल 2020 का होगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो है आपको सारी एनेक्स्चर 9 में मिलेगी, अनाउंसमेंट और फर्दर डिटेल्स भी आपको ऑफिशियल साइट पर जाकर मिलेगी, वेबसाइट है www.bis.gov.in। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसी तरीके की वीडियो हम लाते रहते हैं, तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज स्टडी मटेरियल या फिर हमारे क्लासरूम कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.kushmandra.com। फिलहाल के लिए थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। हमारी टेस्ट सीरीज स्टडी मटेरियल या स्पेशल क्लासरूम कोर्स के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट kushmandra.com पर, या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल करके आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।